मुझे जी अपना जी नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर माह की तरह जिस तरह से हर अमावस्या के दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम की ओर से यहाँ पर लंगर का आयोजन किया जाता है और अलग अलग जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं या समाज सेवी हैं या किसी संस्था से उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है ताकि इस लंगर की शोभा बढ़ाए और अपना योगदान दे। इस समय अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आरम गुप्ता जी यहाँ मौजूद है, अन्य इनकी टीम अनिल जी है, अन्य जो टीम मेंबर हैं है यहाँ पर मौजूद और लंगर की शुरुआत की जा रही है। जिस तरह से आप जानते हैं कि भोले बाबा की जो यात्रा है यानी कि देखेंगे श्री का जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है और दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोले बाबा के दर्शन करने के लिए उनके वहाँ पर यानी कि यहाँ से रवाना होते हैं। उसी के चलते इस अगर बात करें रघुनाथ बाज़ार की भी तो मेन जो फोकस रहता है श्री रघुनाथ मंदिर जी का भी, यहाँ पर भी आप जानते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु जो भी जम्मू की ओर आता है यहाँ पर ज़रूर दर्शन करके जाते हैं। तो उसी तरह से श्रद्धालुओं के लिए एक छोटी सी यानी कि मदद हो जाती है, सहयोग हो जाता है कि कम से कम इन्हें एक वक्त का यहाँ पर खाना मिल जाता है। तो आज देखिए यहाँ पर इन्होंने मिष्ठान में रखा ये पेठा रखा और साथ ही साथ यहाँ पर लंगर का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार बार हम यही कहते हैं अपनी नेक कमाई में से ज़रूर किसी का भला कर दिए, किस वक्त खाना खिला देंगे वो भी बड़े पुण्य का काम है। और हर अमावस्या के दिन दैनिक शिफ्ट टाइम की जो टीम है जिसमें दैनिक शिफ्ट टाइम के एडिटर इन चीफ रविंदर गुप्ता जी हैं और साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अरुण गुप्ता जी, अन्य इनकी टीम मेंबर यहाँ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और यहाँ पर जो लोगों को पानी और खाना वितरित किया जा रहा है। पुण्य का काम वैसे भी इन दिनों में अगर जिस तरह से यात्रा है तो यात्रा के ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे लंगर बीच में ज़रूर लगाने चाहिए ताकि यहाँ पर जो लोग दूर दराज से आते हैं यात्री श्रद्धालु आते हैं, वैसे तो लोगों ने लंगर लगाकर अलग अलग जगहों पे इनके लिए वहाँ पर यानी कि रिहाइश बनाकर रखी है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे प्रयास किए हैं कि किसी तरह की दिक्कत ना आए। पर उसके बावजूद भी कई बार ऐसा भी होता है, कैसे लोग भी हैं जो जिन्हें एक वक्त का खाना भी मुयसर नहीं होता, तो वो लोग भी हों जो दिहाड़ीदार होते हैं जो लोग काम करके आते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत हो जाती है एक वक्त के खाने को लेकर। इस समय के दृश्य आपको बता रहे हैं रघुनाथ बाजार के रघुनाथ मंदिर के दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम की ओर से यहाँ पर लंगर का हर अमावस्या के दिन लंगर का आयोजन किया जाता है। हर हर महादेव। और देखिए लोग बड़े ही खुशी से लंगर का प्रसाद चखते हैं और ज़रूर इस तरह का दान पुण्य का काम ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारी अपनी नेक कमाई की वजह से अगर भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है कि कहीं ना कहीं एक वक्त ही सही पर दूसरों के लिए भोजन का या किसी अन्य चीज़ का यानी कि इंतज़ाम कर सके ताकि लोग जो हैं लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। देखिए ये भी श्रद्धालु थे भोले बाबा के, यहाँ पर भक्त थे जो यहाँ पर। देखिए ये भी भैया, क्या नाम है भैया आपका? अमित वर्मा। कहाँ से आए हो भैया? बरेली से। बरेली से आए जी अमरनाथ यात्रा के लिए। जी नहीं करके आए हैं। क्या बात है भैया, ये देखिए भैया जी भोले बाबा के दर्शन क्या कहना चाहेंगे? जय भोले, बहुत बढ़िया हुए, धन्यवाद। देखिए बरेली से भैया आए हैं भोले बाबा के दर्शन कर कर आए हैं और देखिए यहाँ पर भी आपको कई यात्री श्रद्धालु मिलेंगे जो दर्शन कर कर भी है और जिन्होंने जाना भी है। चलिए ये ज़रूर कहेंगे कि आप लोग भी जो देख रहे हैं हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और भगवान आप सबको इतनी शक्ति दे, इतने योग्य बनाए कि आप भी इसी तरह के लंगर का आयोजन कर सके ताकि किसी गरीब का एक ही समय का सही पर किसी का पेट हम भरने में अपने योगदान दे सके। इस समय हमने आपको रघुनाथ बाजार के पूरे दर्शन दृश्य बताया कि जहाँ पर दैनिक शिव टाइम के ऑफिस के बाहर हर मंथ हर माह अमावस्या के दिन यहाँ पर लंगर का आयोजन किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी लोग आप हमें भी देख जो भी देख रहे हैं आप लोग भी जिसे भगवान ने इतना दिया है कि आप इस योग्य हैं कि इस तरह के छोटे छोटे धार्मिक कार्यों में या इस तरह के लंगर आयोजन कर सके ताकि एक वक्त का सही किसी का पेट भरा जा सके। तो ज़रूर आप अपने कमेंट अपने सुझाव लिखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।